जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक और सामाजिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पंजाब केसरी विजयवल सूर्य समुदाय के गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्योचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, समुदाय वडिल तप चक्रवर्ती आचार्य श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहेब, ज्ञान प्रभाकर भोले बाबाचार्य श्रीमद विजय जयनंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, सुकृत प्रवीण मुनि श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज साहेब, कार्यदक्ष मुनि श्री मोक्षण विजय जी महाराज साहेब आदि थाना धर्म कमल हॉल दरेसी में चातुर्मास हेतु विराजमान है। इस मौके पर गुरु ने मंगल पाठ प्रवचन किए। गुरुओं की पावन निशरा में मंगलमय चतुर्मास, जैसे जैसे मंगलमय चतुर्मास आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गुरुओं की पावन निशरा में धर्म कर्म के काम और पूजा आराधना आगे आगे बढ़ रही है। इसी लड़ी के तहत पूजा करवाई गई जिसके लाभार्थी परिवार लाला दीप सीतावंती जैन साडोरा वाले, श्रीमती कंचन जैन, स्वर्गीय श्री सतीश कुमार जैन, सौरव निशी जैन, गौरव प्राक्षी जैन, शिरीश जैन, समृद्धि जैन एवं जैन समूह परिवार उपस्थित रहा। इस मौके पर भक्तों ने गुरुओं का प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाया एवं अलग अलग पूजाओं में अपना योगदान देके और उसमें सम्मिलित होके गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तरी भारत के शिरोमणि जैन संघ लुधियाना में सर्वमंगल चातुर्मास बड़ी ही भव्यता के साथ में चल रहा है। तप जप आराधना की यहाँ पर गंगा बह रही है और उसी तप जप आराधना के अनुमोदनार्थ 11 दिन का यहाँ पर जिन भक्ति स्वरूप भव्य महोत्सव गतिमान है, आज यहाँ पर विराजमान परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, तप चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहेब, भोले बाबा ज्ञान प्रभाकर आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सूर्य जी महाराज साहेब आदि गुरु भगवंतों की पुण्य प्रभावक निशरा में 11 दिवस के महोत्सव में जिन शासन का एक सर्वोत्कृष्ट विधान महामंगलकारी श्री शांति स्नात्र महाविधान अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुआ। जब जब भी कोई भी जिन मंदिर में प्रतिष्ठा का प्रसंग होता है तो प्रतिष्ठा के बाद यही शांति स्नात्र महाविधान अवश्य करवाया जाता है। 14 राजलोक के समस्त जीवों की शांति के लिए, कल्याण के लिए, रिद्धि वृद्धि और समृद्धि के लिए यह पूजन बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। आज के इस महापूजन को करवाने का परम पुण्य लाभ हमारे एक आदर्श धर्मनिष्ठ परिवार, देवगुरु धर्म के अनन्य उपासक, सडोरा निवासी लाला दीपचंद जी, श्रीमती सीतावंती जैन परिवार से श्रीमती कंचन जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री सतीश कुमार जी जैन, श्री सौरभ निशी जैन, श्री गौरव प्राक्षी जैन, श्री शिरीष जैन, श्री समृद्धि जैन परिवार साडोरा वालों ने आज के इस पूजन का लाभ लिया है। आज पूरा परिवार यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित है। हम उनकी देवगुरु धर्म की भक्ति की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। इसी तरह से वह भविष्य में भी परम पुण्य लाभ लेते रहें, धर्म कार्य करते रहें और संघ शासन की सेवा करते रहें। खूब खूब अनुमोदना। और ये परिवार हमारे गुरुदेव के चरणों में वर्षों वर्षों तक स्वर्गीय श्री सतीश कुमार जी हर संक्रांति पर आते रहे, ऐसा ये संक्रांति भक्त परिवार। खूब खूब अनुमोदना। और आज के इस पूजन अनुष्ठान को संपन्न करवाने में हमारे मुनि श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज साहब का निर्देशन और साथ में विधि विज्ञ श्रावक श्रेष्ठ श्री पुष्पधन जी पाटनी और साथ में हमारे सौरभ भैया जो कि इस विधि विधान के विशेष जानकार भी हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। और साथ में लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। सनातन धर्म सभा फिरोजपुर छावनी की तरफ से राम बरात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह सनातन धर्म सभा फिरोजपुर की तरफ से राम बरात शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी ही श्रद्धापूर्वक किया गया। ये शोभा यात्रा सनातन धर्म से शुरू हुई और छावनी के बाजारों में होते हुए वापस इसका समापन सनातन धर्म मंदिर में हुआ, जिसमें सुंदर झांकियों ने सबका मन मोह लिया। लोगों ने जगह जगह लंगर लगाया अथवा फूलों की वर्षा कर इसका स्वागत किया। जय श्री राम। आज श्री रामचंद्र जी की बरात जड़ी है उसकी शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म सभा सूची फिरोजपुर छावनी वालों कढ़ी जा रही है, जिसे लोगों के बहुत भारी उत्साह है। लोगों ने बहुत सारी लाइटा जगा के दीपमाला कीतियां ने, लोगों का बहुत ही प्यार भरा ज
ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁਲਕੂ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ LMG ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਰਾਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੰਜਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਥਾਰਾ ਸਾਧਿਕਾ ਉਪਰਿਵਰਤਨੀ ਸਾਧਵੀ ਰਤਨਾਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਜੀ ਕੇ ਸੁਸ਼ਿਸ਼ਯ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਰਿਵਰਤਨੀ ਸਾਧਵੀ ਰਤਨਾਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੁਸ਼ਿਸ਼ਯ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਸ ਮਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਥਾਣੇ 8 ਮੰਗਲ ਮੇ ਚਾਤੁਰਮਾ ਸੇਤੂ SS ਜੈਨ ਸਭਾ 39 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਭਗਤੋਂ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਭਗਤੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਥਾਰਾ ਸਾਧਿਕਾ ਉਪਰਿਵਰਤਨੀ ਸਾਧਵੀ ਰਤਨਾਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਕੇ ਸੁਸ਼ਿਸ਼ਯ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਸਾਧਵੀ ਰਤਨਾਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੁਸ਼ਿਸ਼ਯ ਜਿਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਸ ਮਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਥਾਣੇ 8 ਮੰਗਲ ਮੇ ਚਾਤੁਰਮਾ ਸੇਤੂ SS ਜੈਨ ਸਭਾ 39 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਮੇ ਚਤੁਰਮਾਸ ਮੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਭਗਤੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਭੀ ਬੋਲੇ ਨਮੋ ਅਰਿਹੰਤਾਨ ਨਮੋ ਸਿਧਾਨ ਨਮੋ ਆਰੀਆਨ ਨਮੋ ਵਜਾਯਾਨ ਨਮੋ ਲੋਏ ਸਭ ਸਾਹੁਨ ਨਮੋ ਅਰਿਹੰਤਾਨ ਨਮੋ ਸਿਧਾਨ ਨਮੋ ਆਰੀਆਨ ਨਮੋ ਲੋਇ ਸਭ ਸਾਹੁਨ ਨਮੋ ਅਰਿਹੰਤਾਨ ਨਮੋ ਸਿਧਾਨ ਨਮੋ ਆਰੀਆਨ ਨਮੋ ਵਜਾਯਾਨ ਨਮੋ ਲੋਇ ਨਮੋ ਅਰਿਹੰਤ ਨਮੋ ਆਰੀਆਨ ਨਮੋ ਜਾਨ ਨਮੋ ਲੋਇ ਸਭ ਸਾਹੁਨ ਨਮੋ ਅਰਿਹੰਤਾਨ ਨਮੋ ਸਿਧਾਨ ਨਮੋ ਆਰੀਆਨ ਨਮੋ ਵਜਾਯਾਨ ਨਮੋ ਲੋਇ ਸਭ ਸਾਹੁਨ ਨਮੋ ਅਰਿਹੰਤਾਨ ਨਮੋ ਸਿਧਾਨ ਨਮੋ ਹੰਤਾਨ ਨਮੋ ਸਿਧਾਨ ਨਮੋ ਆਰੀਆਨ ਨਮੋ ਵਜਾਯਾਨ ਨਮੋ ਲੋਇ ਐਸੋ ਪੰਚ ਨਮੋ ਕਾਰੋ ਸਭ ਪਾਵਪਨਾ ਸਨੋ ਮੰਗਲਾਨੰਚ ਸਭ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਓ ਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਾਲਜ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਪਸਥਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ PSU ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੋ ਉਨਕੇ ਬਨਤੇ ਹੱਕ ਜਿਸ ਮੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੀਓ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਧਰਨੇ ਕੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ PAU ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਓ ਪਰ ਹੁਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਅਹੁਦੋਂ ਸੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ
और इस घटनाक्रम में छावें लोगों और बंदी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जो ये प्रोग्राम किया गया उसके बारे में ये प्रोग्राम तकरीबन पिछले 3 साल का शेरू जी इतने या होर भी कई जगह से धार्मिक सारिया थावान से कर रहे हैं। 3 साल तो ये वक् वक् जगह से जरा गरीब लोगों वास्ते जनता वास्ते विधवा वास्ते राशन के वितरण करते हैं। हूँ पिछले इन्होंने एक महीना पहलों या 1.5 महीना पहलों एक फंक्शन किया इतने इंटरनेशनल होटल में सुभाष जी भी अपने नाल खड़े ने भी बहुत सहयोग करते हैं। तो विजय चोपड़ा जी जो पंजाब केसरी के मुख्य संपादक ने आए थे उन्होंने विशेष तौर पर इन्होंने शेरू जी को बहुत एप्रीशिएट किया तो 1,00,000 रुपया वह भी दे के गए भी तुम अगे तगड़े हो गए शेरू तू कम कर असी भी तेरे नाल हाँ तो फिरोजपुर के लोग भी तेरे नाल हैं। तो बिल्कुल असी सच ये भी कहने भी शेरू जो भी आवाज़ मारता है किसी भी तरीके किसी भी सहयोग की सारा शहर इन नाल है। कि संस्था वालों दिता गया CCRO वैसे आ राशन वितरण का राधे राधे वैलफेयर सोसायटी भी करती हर महीने उत्थे तकरीबन असी 35 विधवावान जोड़ा राशन बढ़ अज कि दिता गया अज 11 दिता गया अज भी जोड़ा सा प्रोटेस्ट आ पिछले दिन तो पिछले काफ़ी दिनों तो विद्यार्थी जोड़े पटियाला यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी डिमांड्स में लैके लड़ रहे हैं और उन्होंने जोड़ा लाठीचार्ज किया गया गा विद्यार्थियों जोड़ा शरेआम जोड़ा गुटों को फड़ के घड़ीसया गया गा विद्यार्थियों जोड़ा बहुत माड़ा व्यवहार किया गया गा जी शरेआम गुंडागर्दी अज की जा रही है चाहे वह कॉलेजों च हो चाहे यूनीवर्सिटिया के हो असी वो जी गुंडागर्दी के खिलाफ जोड़ा अज का रोस मुजहरा कर रहे किन्नां नूं जिहड़ा तुसीं ये मंग पत्र दे रहे असी जिहड़ा अज दा मंग पत्र ओह तहसीलदार नूं की मंगा रखियां तुसीं जिहड़ियां अपने मुख प्रोटेस्ट दे विच साडियां अज दियां जिहड़ियां मंगां गा जिहड़े भी गुंडागर्दी कर रहे आ उन्हां नूं गिरफ्तार कीता जावे और गुंडागर्दी दे विच गुंडागर्दी जिहड़ी शरेआम हो रही आ उह गुंडागर्दी नूं नंद पाई जावे और विद्यार्थियों दियां जो भी मंगां गा उन्हां नूं जिहड़ा पूरा कीता जावे। हाँ जी अज की मंगां नूं लैके जिहड़ा तुसीं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो अज असी पंजाब स्टूडेंट यूनियन वल्लों सूबा पद्धरी सद्दे दे तहत मार्च कर रहे हैं और ये मार्च जो पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच कल रात एक गुंडागर्दी की गई है जिहड़ा हैरीमान MLA आ सिंडीकेट मैंबर भी आ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला उहदी पार्टी सैफी पार्टी वल्लों 150 बंदे दे नाल धरना दे रही कुड़ियां और पूरे यूनिवर्सिटी ते हमला किया गया सी कृपाना दे नाल और असी उस गुंडागर्दी के खिलाफ अज का साडा रोस मार्च है। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਮਾਨ ਆ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸੇ ਸੋਨੂੰ ਖੇੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਥਾਨ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਹਾ ਅਬ ਜਲਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਫਸਲ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਅੱਜ ਧਾਨ ਕੀ ਫਸਲ ਆਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਮੇ ਜਲੰਧਰ ਕੀ 75 ਮੰਡੀਓ ਮੇ 11,35,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ धान की फसल आने की संभावना है और कल केंद्र सरकार द्वारा CC लिमिट भी पंजाब सरकार को जारी की गई है जिसके कारण किसानों की पेमेंट भी टाइम पर होगी। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने कहा कि आढ़तियों को चाहिए कि अपने बिल टाइम पर खरीदें, एजेंसीज को जमा करवा दें और किसानों को मंडियों में अपना फसल सुखा कर लाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री आत्मा शमन रतन तपोभूमि महानगर लुधियाना में श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूजनीय श्री आत्माराम जी महाराज के पुत्र शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य दिन शासन सूर्य प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज एस्ते जैन सभा सिविल लाइन्स में चातुर्मा सेतु विराजमान है। इस मौके पर उन्होंने मंगल पाठ प्रवचन किए। पूज्य गुरुदेव श्री आत्मा शमन रतन तपोभूमि महानगर लुधियाना में श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूज ने श्री आत्माराम जी महाराज के पुत्र शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य दिन शासन सूर्य प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज एस जैन सभा सिविल लाइन्स में चातुर्मा सेतु विराजमान है। इस मौके पर गुरु ने मंगल पाठ प्रवचन किए। इस मौके पर गुरु ने कहा कि मानव जीवन इंसान को हमेशा नहीं प्राप्त होता है, हमें अपने इस जीवन को
दूसरों के सहयोग पर लगाना चाहिए और सेवा मेल और सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस मौके पर भक्तों ने गुरुओं को आशीर्वाद दिया और आए हुए भक्तों ने गुरुओं के प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाया। लुधियाना से कैमरामैन केवल मठारू के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। अध्यापकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी के निवास स्थान तक निकाला रोष मार्च। फिरोजपुर छावनी के पार्क गांधी गार्डन में अध्यापकों के सांझा मोर्चा यूनियन ने मीटिंग कर निकाला मशाल मार्च। ये विशाल मार्च पार्क गांधी गार्डन से चलकर खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी के निवास स्थान तक पहुंचा। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेता राजीव हांडा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा हमारी तनख्वाह घटाकर आधी कर दी गई है। इस फैसले को जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक संघर्ष जारी रहेगा और इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों की गिनती में अध्यापक मौजूद थे। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा साढ़े बहुत सारे साथियों तो दस दिता, मैं कुछ गल्ला साझिया कर जा रहा जज असं नहीं दस सके। सब तो पहली गल तो साढ़े इन्होंने अध्यापकों 42-43 हज़ार रुपया 50 हज़ार रुपया तक तनखा मिल रही थी। इस रेगुलाइजेशन की आड़ के इन्होंने अध्यापकों के 65-70% तक कट ला दिता और यह तनखा हूँ 15,300 रुपये से लै आती है। 15,300 रुपये के देखोगे एक घर का गुजारा भी नहीं चलता और साढ़े बहुत सारे अध्यापकों ने किश्तां इन्नियां 15-15-20 हज़ार रुपया भर रहे हैं। तो हुण यह देखने वाली गल है कि साढ़े इन्हां अध्यापकों का जिहड़ा घर उजाड़ के पंजाब सरकार किवें सुख की नींद सौंदी है। असीं इह सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ जे अपने इस फैसले तो वापस ना मुड़ी असीं इन्हां दी नींद हराम कर देवांगे। ऐ चानण ते कातलो क्यों भुल्लां करदे, लखां सूरज लूट लो इन्हां रहना चढ़दे। इह उन्हां सूरजां दे चानण दी लड़ाई आ, जित हमेशा चानण दी होवेगी भावें जिन्ना मर्जी हनेरा अपना पैंडे पसार लवे। असीं दावे नाल कहिंदे आ कि जित इन्हां लड़दे लोकां दी होवेगी। पंजाब दीआं सारीआं जमहूरी जथेबंदियां भावें डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट आ भावें किसान यूनियन ने सारीआं साडे मनां मोढे नाल मोढा जोड़ के दशहरा कमेटी अमृतसर नॉर्थ की ओर से चीफ पैंट्रन अनिल जोशी की अध्यक्षता में दशहरा ग्राउंड रंजीत एवेन्यू में भूमि पूजन कर दशहरा समारोह की तैयारियों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जोशी ने कहा कि आज पहले नवरात्र वाले दिन दशहरा समारोह स्थल पर भूमि पूजन किया गया है और अब प्रभु को आशीर्वाद लेकर पंडाल की तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। समारोह में आने वाले दर्शकों के लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध, बैठने के लिए कुर्सियां, गाड़ियां पार्क करने के लिए वैली पार्किंग, जगह जगह पर LCD स्क्रीन, हेल्प डेस्क, मेडिकल डिस्पेंसरी, पानी का प्रबंध आदि हर सुख सुविधाएं प्रदान करवा दी गई हैं। इस बार 19 अक्टूबर को रंजीत एवेन्यू स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित होने वाले 6वें दशहरा समारोह भी ऐतिहासिक होगा। जोशी ने कहा कि इस बार 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक शाम 7:30 बजे से दशहरा ग्राउंड में ही लाइट एंड साउंड रामायण का आयोजन किया जाएगा। जोशी ने कहा कि वृद्ध हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार दशहरा समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और साथ ही हंसराज हंस और कई शख्सियतें समारोह में शामिल होंगे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 125 फुट ऊंचे पुतलों को साथ ही लंका दहन भी होगी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जो सिविल लाइन्स के लोग भीड़ वाले समागमों से आने के लिए कतराते हैं वह भी परिवार सहित इस समारोह में आएंगे। आज सब तो पहला दे मैं पवित्र नवरात्रियों की सबन बहुत बहुत मुबारक। अज विधिवत जरा दशहरे का कार्यक्रम शुरू हो गया क्योंकि स्टेज बन रही है, उधर मेले वास्ते झूले लग गए। अज तो रात तो लाइव रामायण जी असी लाइट एंड साउंड जी भी शुरू हो रही है। पूरे नवरात्रे रामायण चलूगी, नाल मेला चलेगा, फूड स्टाल चलन
ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੌਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾਈ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਆ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਭਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦਿਨ 7:30 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਹੋਊਗਾ ਨਿੰਪਾ ਰਮਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡੇਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈਂ ਅਗਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਓਰ। ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਨ ਸੰਘ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੈਨ ਜਯੰਤੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। अग्रवाल परिवार मिलन संघ की तरफ से लुधियाना के हैबोवाल में महाराज अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। समाज के धार्मिक राजनैतिक और भी कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर अग्रवाल परिवार मिलन संघ की तरफ से उपस्थित लोगों को और गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि अग्रवाल समाज एवं उनके रहने वाले लोग हमेशा दूसरों की सेवा के लिए कार्यरत रहते हैं। उसी के अधीन उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम एक चैरिटेबल अस्पताल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं जो आम समाज के लिए बहुत लाभकारी होगा, खासकर गरीबों के लिए। इस मौके पर कई और गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अग्रवाल परिवार मिलन संघ की ओर से आज अग्रसेन जयंती का धूमधाम से महोत्सव मनाया गया और इसके साथ ही लाला गौरी शंकर अग्रसेन अस्पताल का भूमि पूजन भी किया गया। बच्चों द्वारा कल्चरल प्रोग्राम और साथ में हमारा ये उद्देश्य है कि हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल उन गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए उन परिवारों के लिए बनाएं जो स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए असमर्थ हैं। साथ ही में आगे के लिए हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि एक स्कूल भी हम खोलें जहाँ पर ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ सकें। आप सबका साथ और आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन और पूरे अग्रवाल समाज को अग्रसेन जयंती की। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। लुधियाना के कॉलेज रोड नज़दीक डॉक्टर हीरा सिंह रोड में लुधियाना की पूजा तथा अतीशा ने लेडीज कपड़ों का एक शानदार शोरूम खोला जिसका उद्घाटन लुधियाना के काउंसलर ममता आशु ने किया। लुधियाना के कॉलेज रोड नज़दीक डॉक्टर हीरा सिंह रोड पर लुधियाना की रहने वाली पूजा तथा तीशा ने लेडीज़ कपड़ों का एक शानदार शोरूम खोला जिसका उद्घाटन लुधियाना के काउंसलर ममता आशु ने किया। इस अवसर पर पूजा तथा तीशा ने बताया कि हमारे शोरूम में हर तरह की फैंसी आइटम्स लेडीज़ के कपड़ों की मिलती हैं जिसमें करवा चौथ व दिवाली पर स्पेशल डिस्काउंट भी दी गई है जिसमें करवा चौथ व दिवाली पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं पूजा, हमने आज सिल्वेट्स की ओपनिंग की है ऑन हीरा सिंह रोड घुमार मंडी। सो हमने यहाँ पे हर तरह की कलेक्शन रखी है फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए। वी हैव वेस्टर्न आउटफिट्स एज वेल एज एथनिक वेयर एंड हमने पूरी कोशिश की है कि हम सबकी नीड्स को पूरा कर सके, सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर्स एंड डिज़ाइंस उनकी नीड्स के को देखते हुए हमने रखने की कोशिश की है। आजकल का जो फैशन है हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए सब कस्टमाइज भी किया है एंड जो डिज़ाइनर पीसेज आपको हमारे यहाँ मिलेंगे वो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे बिकॉज वी हैवन कॉपीड फ्रॉम एनी वेयर, इट्स अवर ओन कलेक्शन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम 500 to 700 एंड गोज टिल व्हाटएवर इज द वर्क ऑन द पीस। क्या
क्या जो दिवाली या करवा चौथ आ रहा है तो उसके कोई ऑफर भी दे रहे हैं आप? हाँ जी, हमने इनॉग्रल ऑफर तो लगाई हुई है 10% ऑफ की। बाकी दिवाली और करवा चौथ जैसे आएगा हम वैसे भी न्यू ऑफर्स देते ही रहेंगे। लुधियाना से बबीर मोतरली, आज के समाचार बस यहीं तक। मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ और नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए और बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।